Okay, friends, now the next topic we are going on, of course, is a part of bioaccelerator, no doubt in that. But now we will change the topic, we'll go for the circular coil. Yani simple, ek maine copper ka wire aisa gol kar diya, and the current is flowing. It acts as a magnet, friends. Ab bataya jayega, okay? Now start. The topic is current carrying circular loop as magnetic dipole moment. Means what, friends? Ek simple circular current carrying maine loop liya, okay? Ye dekhiye. समझो एंटी क्लॉक वाइज में करंट है, ओके? इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट, फ्रेंड्स, ये एक मैग्नेट का रोल करेगा, मैग्नेटिज्म जनरेट करेगा, ओके? जनरली अब कुछ टिप्स, कुछ आइडिया, कुछ ट्रिक्स आपको दे रहा हूं, बहुत इजी है, याद रखिएगा। जब करंट एंटी क्लॉक वाइज होगी, ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब ऐसा है, ओके? इट एक्ट्स एज अ नॉर्थ पोल, फ्रेंड्स, ये नॉर्थ पोल का रोल करेगा। मैग्नेट में स्कूल से पढ़ा जाता है, इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल का काम करेगा। नॉर्थ पोल का मतलब, फ्रेंड्स, वहां से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड निकलेगी, यानी हमेशा इसको डॉट बताया जाएगा। पहली चीज क्या क्या सीखा आपने? सर, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो ये नॉर्थ पोल, डाल दो ब्लड में, सर नॉर्थ पोल है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगी, ये दो सीखा। ओके, नेक्स्ट, हर मैग्नेट का, जैसा फ्रेंड्स आपका नाम है, आपकी एक फैमिली है उसका नाम है, वैसा मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या सिंपल आप मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलो तो मुझे चलेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, डाइपोल मोमेंट बोलो फ्रेंड्स तो भी चलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट सबसे अच्छा है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, और हमेशा फ्रेंड्स इसको कैपिटल एम से बताते हैं, हमेशा फ्रेंड्स इसको कैपिटल एम से बताते हैं। इसका फार्मूला होता है एन आई ए, फ्रेंड्स, एन आई ए, एन मजे नंबर ऑफ टर्म्स, फ्रेंड्स, हमेशा मैं एक वायर का टर्न दू? बिल्कुल नहीं जी, मैं नंबर ऑफ टर्न्स ही दूंगा। वायर हैज 200 टर्न्स, वायर हैज 500 टर्न्स, अगर नहीं दिया तो एक टर्न, कोई इशू नहीं, एक भी दे सकता है, बट जनरली टर्न्स देंगे। आई बताने की जरूरत नहीं है, करंट, ओके, ए, ये देखो फ्रेंड्स, ये एरिया जो कवर होगा, सीखो ये एरिया, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर नहीं लेना फ्रेंड्स, जो एरिया वो कवर कर रहा है दैट्स कॉल्ड एरिया। ओके, लिखोगे एरिया, करेक्ट, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, जनरली ये वेक्टर क्वांटिटी होता है फ्रेंड्स, और इसकी डायरेक्शन सेम एज बी की डायरेक्शन होती है। आई रिपीट, जनरली कैपिटल एम बी वेक्टर ही होता है फ्रेंड्स, और इसकी डायरेक्शन बी के जैसी ही रहती है फ्रेंड्स, हर चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, ओके, अब फ्रेंड्स अगर आपका करंट चल रही है क्लॉकवाइज सर्कुलर लूप में, एंटी क्लॉक देखे, क्लॉकवाइज, ये देखिए फ्रेंड्स, ये डायग्राम ऐसा बनेगा, क्या बन गया फ्रेंड्स आपके सामने, क्या बन गया, क्या चीज बन गई? ऑफ कोर्स एस, साउथ पोल, ये हो गया साउथ पोल। साउथ पोल में हमेशा फील्ड आती है फ्रेंड्स, डाइवर्ज होती है नॉर्थ पोल से, कन्वर्ज होती है साउथ पोल में, तो इसमें फील्ड आएगी हमेशा फ्रेंड्स, इसको दिखाएंगे क्रॉस। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फ्रेंड्स सेम, लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला इस सेम, इसका भी एम सेम ही होगा फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ विल गो ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक इंडक्शन, कैपिटल बी फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड, कई नाम इसके, मैग्नेटिक फील्ड बोलिए चलेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलिए चलेगा, फ्लक्स डेंसिटी बोलिए चलेगा, जो चाहिए बोलिए बिंदास। ओके, द बेस्ट इज मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्क्यूलर करंट कैरिंग लूप। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली पहले समझिए क्या करना है हमको, ये एक सर्क्यूलर मैंने लूप लिया, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें करंट है, आपने बोला अरे भाई ये मैग्नेट है, यस मैग्नेट है, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके एक्सिस पे, ये देखिए मेरी उंगली, ये उंगली देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसके एक्सिस पे, यहां पर एक मैं पॉइंट दिया, यहां फील्ड निकालना है, एक्सरसाइज समझे,
या ऐसा करंट कैरिंग मैंने लूप लिया फ्रेंड्स, इसके एक्सेस पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकाल के चाहिए। ओके चलो देखते हैं, स्टार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लिया करंट कैरिंग कंडक्टर, समझो करंट है आई। ओके सपोज फ्रेंड्स इसका रेडियस है ए, सपोज आर ले लो, रेडियस आर से अच्छा लगता है आपको, ठीक है। इसके एक्सेस पे फ्रेंड्स ये देखिए, एट अ डिस्टेंस आर फ्रेंड्स, एट अ डिस्टेंस एक्स, आई रिपीट, एट अ डिस्टेंस फ्रेंड एक्स, ओके ये पॉइंट पी लिया, आपको बीपी निकालना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पी निकालना है, दैट्स कॉल्ड बीपी। ओके आराम से समझिए, पहले असाइनमेंट समझिए। ओके ये देखिए, टेक वेरी स्मॉल लेंथ सेगमेंट फ्रेंड डी एन, वेरी स्मॉल लेंथ सेगमेंट, ये देखिए फ्रेंड्स इसको ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन किया। ओके फ्रेंड्स ये आर है, ये है एक्स, आपका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आराम से कुछ सेकंड्स रुकेंगे, ये डिस्टेंस कितना हो गया फ्रेंड्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस देखिए, थोड़ा लाइट फैन हो रही है, मैं वापस बना रहा हूं, ये देखिए ये डिस्टेंस फ्रेंड्स। ओके अब नाउ द टेक्निकल स्टार्ट, समझो ये एंगल है अल्फा, जस्ट समझो ये एंगल है अल्फा, आपने मुझे बायट सावर्ट में बोला है, क्या बोला है जरा देखो, जिस प्लेन में डीएल और आर होंगे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड उसको 90 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, ये वेक्टर में पढ़ाते हैं, ये वेक्टर इन दोनों में परपेंडिकुलर है, तो आपका डीएल और ये रोल आर का कर रहा है फ्रेंड्स, ये आर का कर रहा है ना, डिस्टेंस का रोल कर रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड 3D में इसके ऊपर होगा, ये देखो ये 90 डिग्री पे आपका मैग्नेटिक फील्ड गया, छोटा है ना तो छोटा फील्ड, दैट्स कॉल्ड डीबी, आराम से देखिए फ्रेंड्स, दैट इज नथिंग बट डीबी। ओके थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करूंगा, ये अल्फा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा फ्रेंड्स, ये भी हो जाएगा अल्फा, आराम से देखिए, आई रिपीट फ्रेंड्स, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये भी अल्फा, ये कंपोनेंट जहां एंगल बन रहा है क्या आएगा फ्रेंड्स, डी बी कॉस अल्फा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा डी बी साइन अल्फा, अगेन कुछ सेकेंड्स रुकूंगा। फ्रेंड्स अगर मैं ये सेगमेंट यहां लेता, आई रिपीट अगर सेगमेंट यहां लेता, ये देखिए फ्रेंड्स, ओके ये आपकी फील्ड होती, ये देखिए ये फील्ड होती, अगेन ये देखिए बेटा ये एंगल होता, यहां आता डी बी कॉस अल्फा और यही आता फ्रेंड्स देखिए डी बी साइन अल्फा, आराम से सब कुछ सेम फ्रेंड्स। अब यहां देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये और फ्रेंड्स ये कैंसल, कॉस है ना ये ऊपर जा रहा है नीचे कैंसल, यानी नेट फील्ड आपकी किसकी वजह से आएगी, स्मॉल नेट फील्ड, बराबर देखिए बेटा, आप बोलोगे सर डी बी साइन अल्फा, आई रिपीट नेट फील्ड किस कंपोनेंट की वजह से आएगी, डी बी साइन अल्फा आपके सामने राइट पे, आराम से देखिए। ओके नाउ द टेक्निकल स्टार्ट, अब डीबी के बदले हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, बायट सावर्ट लॉ, म्यू नॉट आई डी एल बराबर है साइन अल्फा, सेम बायट सावर्ट लॉ डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स आर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर फ्रेंड्स, आर कौन है, ये देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, आराम से देखिए कुछ सेकेंड्स रुकेंगे। आराम से क्या फॉर्मूला लगाया फ्रेंड्स, बायट सावर्ट लॉ, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, फ्रेंड्स इस केस में डिस्टेंस ये है लेंथ सेगमेंट से इसका पी का डिस्टेंस ये वाला, आराम से देखिए। अब आइए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई बराबर देखिए आई डी एल, ओके कितना हो गया ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हाफ पावर फ्रेंड्स और ये स्क्वायर कैंसल, हाफ पावर और ये स्क्वायर कैंसल, ये बच गया फ्रेंड, और साइन अल्फा के बदले क्या डालूंगा, बराबर देखिए डायग्राम में साइन अल्फा के बदले अपोजिट ओवर हाइपोटेनस फ्रेंड्स, अपोजिट ओवर हाइपोटेनस कितना आ जाएगा आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर, आराम से देखिए। ओके तो ये क्या आ गया अभी म्यू नॉट बाय 4 पाई
आई डी एल आर डिवाइडेड बाय ये पावर वन ये पावर हाफ, टोटल पावर कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाय टू। आराम से देखिए फ्रेंड्स, ओके। अब ये तो छोटा फील्ड है, आपने बोला डीबी नेट है, नेट फील्ड क्या आएगा फ्रेंड्स? आप इमीडिएट बोलोगे सर नेट फील्ड के लिए इसको इंटीग्रेशन करो, क्योंकि आपने छोटा लेंथ सेगमेंट लिया है, टोटल लेंथ सेगमेंट लो। जी बिल्कुल, इंटीग्रेशन करेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई बराबर, देखिए आई आर एस आई, ये देखिए फ्रेंड्स इंटीग्रेशन किसका, ये छोटी लेंथ थी, नीचे सेम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाय 2। आराम से, फिर कुछ सेकंड्स रुकता हूं। फ्रेंड्स क्या आ जाएगा इसका, म्यू नॉट बाय 4 पाई बराबर, देखिए आई आर फ्रेंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर, देखिए इंटीग्रेशन यानी फुल लेंथ कितनी होती है सर्कल की बच्चों, 2 पाई आर हो गया काम आधा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाय 2। एग्री? ओके, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला हमेशा वन टर्न हो जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, हमेशा वन टर्न दो जरूरी नहीं है। तो इफ कॉइल हैज एन टर्न, इफ कॉइल हैज एन टर्न्स बराबर, देखिए फ्रेंड्स ओके, तो आपका नेट फील्ड क्या आ गया फ्रेंड्स, बी नेट क्या आ गया बराबर, देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये देखिए 2 पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई आर का स्क्वायर, ये देखिए फ्रेंड्स एन आई का ऐसे मल्टीप्लाई किया एन से, अरे भाई एक टन का वैल्यू है x एग्जांपल, तो n टन्स के लिए x इनटू n दैट्स इट, डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3 बाय 2। आराम से रखिए और इसको ब्लड में डालिएगा फ्रेंड्स, इसको ब्लड में डालिएगा, क्या फार्मूला है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई r स्क्वायर n i डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3 बाय 2। There is no option, ये फार्मूला आपको बाय हार्ट रखना पड़ेगा। अब इसमें केसेस कराऊंगा। अब फ्रेंड्स इसी में आई रिपीट, इसी में वो पूछता है डायरेक्शन के साथ, आई रिपीट इसी में पूछता है डायरेक्शन के साथ, तो यहां बार लगा देना, यहां साथ में लगाना आई कैप। क्यों आई कैप फ्रेंड्स, सामने आपके कहां जा रहा है फिर एक्स एक्सिस में, देखिए ना फ्रेंड्स एक्स एक्सिस में जा रहा है, इज दैट क्लियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक्स एक्सिस में जा रहा है आई कैप आ जाएगा। ओके आराम से देखिए, ओके फ्रेंड्स अभी आपने प्रूफ किया कि बी नेट ऑफ कोर्स अलोंग दिस एक्सिस इज व्हाट म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर एन आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाय 2। अब फ्रेंड इसमें मैं स्पेशल केसेस कराऊंगा, फर्स्ट केस फ्रेंड्स केस 1 बराबर देखिए, ओके एट सेंटर, एट सेंटर ओके, अगर ये पॉइंट आई रिपीट पी सेंटर पे आके बैठ गया फ्रेंड्स, ये पॉइंट पी सेंटर पे आके बैठ गया ओके, व्हाट विल बी आंसर स्टार्ट देखिए, एट सेंटर, एट सेंटर सबसे पहला पॉइंट एक्स की वैल्यू फ्रेंड जीरो बराबर ना, ये एक्स है पी सेंटर में आ गया तो एक्स गया जीरो, फ्रेंड्स यहां जीरो डाल दीजिए क्या हो जाएगा, बी विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर एन आई डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स, ये जीरो डाले देखो ये स्क्वायर और ये पावर हाफ कैंसल, नीचे आ गया आर क्यूब फ्रेंड्स, आराम से देखिए नीचे आया आर क्यूब, 2 पाई कैंसल, कितना बचा फ्रेंड्स 2, आर स्क्वायर कैंसल, एक आर बचा फ्रेंड्स, बी नेट क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 आर। फ्रेंड्स ब्लड में डालिए, जब भी एक सर्क्यूलर आपको मैंने लूप दिया, करंट है आई रेडियस है आर, करंट है आई रेडियस आर, सेंटर पे फ्रेंड्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आंख बंद करके म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 आर। फ्रेंड्स एक ही अगर नंबर ऑफ टर्न्स होगा, वायर सिंगल होगा, एन के बदली वन डाल देना, क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर। संभाल लिए अच्छे से फार्मूला याद रखिएगा। ओके फ्रेंड नाउ नेक्स्ट इज
केस टू, केस फ्रेंड टू, इसमें क्या है बराबर देखिए, इफ एक्स इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, फ्रेंड्स प्रैक्टिकली सोचिए रिंग बहुत छोटा है, फ्रेंड्स रिंग बहुत छोटा है और डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, रिंग बहुत छोटी है डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, इस केस में फ्रेंड्स एक्स के सामने आर को लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में आर बहुत छोटा है तो इसके सामने इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला अगेन, बी नेट विल बी फ्रेंड्स म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर एन आई ओवर, बराबर देखिए फ्रेंड्स ओके, मैं ये आर है आई एम सॉरी ओके, आर को नहीं लिखूंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर और ये पावर हाफ कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फ्रेंड्स कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, याद रखिए ओके। अब थोड़ा मैथ जगलरी खेलता हूं फ्रेंड्स, म्यू नॉट बाई 4 पाई ओके 2 ऐसा ही फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर के बदले क्या डालता हूं फ्रेंड एरिया, ये देखिए ना पाई आर स्क्वायर के बदले क्या डालूंगा सर्कल का एरिया ओके एन आई डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब, थोड़ी देर पहले हार्डली 10 मिनट पहले मुझे आपने एन आई क्या बोले मैग्नेटिक मोमेंट, आपने बोला सिंस कैपिटल एम इज वॉट एन आई ए दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक शॉर्ट में लिखता हूं फ्रेंड्स मोमेंट दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट ओके फ्रेंड्स। अब क्या बन गया ये फार्मूला बी इज इक्वल टू, बराबर देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये देखिए फ्रेंड्स 2 ऊपर डाल दिए कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, दैट्स अ फाइनल आंसर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एम बाय एक्स क्यूब, इज दैट क्लियर। अगर डायरेक्शन पूछा अगेन आई कैप, यहां डायरेक्शन पूछा कहीं भी दैट्स आई कैप, आप लिख सकते हो फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स। नाउ वी विल सी सम स्पेशल केसेस ओके, ना तो स्ट्रेट कंडक्टर है ना तो पूरा कंप्लीट सर्कल है, ये फॉर्म में है ओके दैट इज द आर्क, स्पेशल केसेस में है फ्रेंड दिस इज नथिंग बट आर्क, कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ आर्क ओके। बराबर देखिए सपोज सेंट्रल एंगल इज थीटा, रेडियस इज फ्रेंड्स आर, रेडियस कितना है फ्रेंड आर, आर्क में करंट है आई ओके, तो सेंटर पे आई रिपीट फ्रेंड सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, बाय हार्ट के लिए बड़ा इजी, आपको स्टेट का याद है ना फ्रेंड्स, ट्रिक देता हूं बाय हार्ट की, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर ओके, आपको एबिट है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन अल्फा 1 सॉरी 5 1 प्लस साइन 5 2 ओके, वो सब नहीं लेना सेम उसी का भाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर ओके फ्रेंड्स इन टू सिंपल थीटा ले लेना इन रेडियन इन टू थीटा इन फ्रेंड्स रेडियन, ये आंसर हो जाएगा ओके। जैसे एग्जांपल इफ आई विल से यू फॉर द क्वाड्रेंट सर्कल, फॉर क्वाड्रेंट सर्कल जिसको आप क्वार्टर सर्कल भी बोल सकते हो फ्रेंड्स ओके, क्या होता है ये बराबर देखो फ्रेंड्स कितना डिग्री हो जाएगा ये 90, क्वाड्रेंट सर्कल के लिए कितना हो जाएगा 90, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई फ्रेंड्स पाई बाई 2 ओके, डालो करंट है आई रेडियस है आर, क्या फ्रेंड्स हो जाएगा बी नॉट म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, थीटा के बदले फ्रेंड्स क्या डालोगे पाई बाई 2 ओके फ्रेंड्स, ये पाई यानी पाई कैंसल, क्या बच गया म्यू नॉट बाई 8 4 2 8 आई बाई आर, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 आर, इज दैट क्लियर फ्रेंड्स ओके। अगेन उसको डायरेक्शन भी चाहिए, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शन भी चाहिए ऑफकोर्स, ये सेगमेंट के लिए कहाँ है राइट पे है ना सेम रूल राइट हैंड थंब रूल, राइट पे कहाँ जाएगा नीचे फ्रेंड्स, इसकी डायरेक्शन होगी नीचे, इसकी भी डायरेक्शन होगी फ्रेंड्स नीचे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर क्रॉस ओके फ्रेंड्स। नाउ वी हैव द अनदर क्वेश्चन, डेफिनेटली नाउ वी विल टॉक वेरी स्मॉल यू कैन से द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सेक्शन ओके, प्योरली बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ओके फ्रेंड्स। समझो ये एक कॉइल था करेक्ट है ऑफ एनी रेडियस, इसमें करंट है आई ओके फ्रेंड्स, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है बी वन, क्या है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है बी वन ओके,
सेम कॉइल को फैंस एन नंबर ऑफ टर्न्स में आपने कन्वर्ट कर दिया, जैसे बड़ा वायर था उसको छोटे छोटे ऐसे एन में कन्वर्ट किया, सेम रेडियस के फैंस, एन टर्न्स ऑफ सेम रेडियस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेम करंट फ्लोस, और वही करंट उसमें फ्लो हो रहा है, कौन, आई। अब पूछ रहा है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है बी टू, क्या है मैग्नेटिक फील्ड बी टू, आपसे रेशो पूछ रहा है बी वन बाई बी टू, फ्रेंड्स क्या होगा, रेशो पूछता है बी वन बाई बी टू क्या होगा, आराम से देखिए, पहले आपसे रेशो पूछ रहा है बी वन बाई बी टू क्या होगा, ओके नाउ स्टार्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स बी वन क्या फार्मूला है हमारे पास, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू आर, समझो इसका रेडियस आर दिया नहीं है, आप समझ लो कोई टू आर, ओके, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, यहाँ फ्रेंड्स एक ही है तो यह आएगा वन, ये हो गया आई डिवाइडेड बाई टू आर, आराम से कुछ सेकेंड्स रुकेंगे, तो आपका बी वन कितना आ गया फ्रेंड्स, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू आर, ओके। अब निकालेंगे बी टू, बी टू के लिए फ्रेंड्स म्यू नॉट बराबर देखिए कितने नंबर ऑफ टर्न्स कर दिया एन, यहां नंबर ऑफ टर्न्स एन हो गए, यहां एन वन था, एन नंबर ऑफ टर्न्स एन, आई फ्रेंड्स टू। अब फ्रेंड्स इसका रेडियस कितना हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, ये बड़ा रेडियस था आर, ये छोटे छोटे एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इसका रेडियस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप बोलिए, इसका रेडियस हो जाएगा आर बाई एन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस भी एन टाइम्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कम हो जाएगा, ओके तो नीचे क्या आएगा टू आर डैश, ओके यानी कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू आर बाई एन, एन ऊपर एक चला जाएगा, आराम से देखिए, ओके तो यहां से फ्रेंड्स आपका बी टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई टू आर एन का स्क्वायर, आराम से फ्रेंड्स, ओके अब देखिए ये हो गया बी टू बराबर देखिए इज इक्वल टू, इसके बदले क्या डाल देंगे फ्रेंड्स, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू आर के बदले बी वन डाल दीजिए, बी वन इज इक्वल सॉरी इन टू एन का स्क्वायर बराबर है, इसको नीचे लो एन स्क्वायर का नीचे लो, तो बी वन बाय बी टू फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, वन बाय एन का स्क्वायर, याद रखिए दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, ऑल नेशनल एग्जाम कैन आस्क दिस क्वेश्चन, वेदर इज द एडवांस लेवल वेदर इज द नीट लेवल, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, आपका बी वन बाय बी टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें वन बाय एन का स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स नाउ विल स्टार्ट। इफ सपोज दिस इज एनी स्ट्रक्चर या यू कैन से द शेप ऑफ वायर, इट इज अ हॉरिजॉन्टल देन सेमी सर्कल देन हॉरिजॉन्टल, करेक्ट फ्रेंड्स, एट द सेंटर ऑफ दिस यू कैन से सिस्टम, यू आर आस मैग्नेटिक फील्ड हियर, ओके। सबसे फ्रेंड्स पहला कॉन्सेप्ट, अगर ये स्ट्रेट लाइन है फ्रेंड्स और इसी एक्सिस पर जब भी मैग्नेटिक फील्ड पूछा है आंसर विल बी जीरो, आंख बंद करके जीरो, क्यों फ्रेंड्स, बी में क्या आता है आईडीएल क्रॉस, बोलिए आईडीएल क्रॉस आर, राइट, इसका मतलब है आईडीएल आर साइन थीटा। अब यहां देखिए फ्रेंड्स, ओके ये डीएल लेंथ होगा और ये डिस्टेंस है आर, दोनों के बीच का एंगल कितना है फ्रेंड्स, जीरो, डेफिनेटली बोथ आर कोलिनियर, एंगल क्या है जीरो, साइन जीरो इज जीरो। तो तुमने नई चीज सीखी फ्रेंड्स कि ये समझो एक कोई वायर है या कंडक्टर है, इसी के एक्सेस पे कोई पॉइंट होगा, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए मैं सम करता हूं, ये देखिए इसकी वजह से नो फील्ड, इसकी वजह से नो फील्ड, हाँ ये सेमी सर्कल की वजह से फील्ड है फ्रेंड्स, इस सेमी सर्कल की वजह से फील्ड है बराबर, देखिए टोटल फील्ड कितनी होती है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय टू आर, ओके हमारा फ्रेंड सेमी सर्कल है, हमको क्या करना पड़ेगा इसका हाफ, ये देखो फील्ड हो गई, ओके नंबर ऑफ टर्न्स हमारा फ्रेंड्स एक ही है, एन के बदले वन डालूंगा तो ये हो जाएगा वन बाई फोर आर म्यू नॉट आई, आराम से देखिए फ्रेंड्स ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, 1 by 4 r mu naught into i, करेक्ट है, बट अगेन वेक्टर फॉर्म में पूछा है फ्रेंड्स, ओके बराबर देखिए इस केस में, ये देखिए फ्रेंड्स क्लॉकवाइज करंट है, या दूसरा थ्योरम में ये सेगमेंट है राइट पे बैठा है, ये देखो फ्रेंड्स ऐसा आएगा, ओके मींस के कैप, मींस के कैप या इनटू प्लेन ऑफ पेपर, अभी आपको सिखाया, ये देखिए फ्रेंड्स जब भी क्लॉकवाइज करंट हो, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां जाने वाला है, नीचे जाने वाला है फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर, के कैप, लेकिन ऑफ कोर्स नीचे जा रहा है इसीलिए माइनस के,
इसीलिए के कैप, लेकिन डायरेक्शन में माइनस, फील्ड अंदर जा रही है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट। सपोज द करंट आई थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर, करंट डिवाइड्स इनटू टू हाफ, आई बाई टू इन दिस सेमी सर्कल एंड आई बाई टू इन दिस सेमी सर्कल। ओके फ्रेंड्स, अगेन दे मीट एंड अगेन इमर्ज विथ सेम मैग्नेट्यूड थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। फिर पूछ रहा है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। फ्रेंड्स अगेन स्टार्ट, इसकी वजह से और इसकी वजह से डायरेक्ट जीरो। ओके फ्रेंड्स, इसकी वजह से अभी आपने कैलकुलेट किया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4R, सपोज रेडियस इज R, दिया नहीं है, ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, 4R है ना। कहां होगा फ्रेंड्स, ये इसके राइट में है, बराबर। देखिए फ्रेंड्स अंदर, अब देखिए फ्रेंड्स इसके लिए एवरीथिंग इज सेम फ्रेंड, एवरीथिंग इज सेम, खाली प्रॉब्लम क्या है, इस डायरेक्शन में ये लेफ्ट में है, आई रिपीट, इस आर्क के ये लेफ्ट में है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बराबर। देखिए डॉट फ्रेंड, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसल, नेट आंसर विल बी जीरो फ्रेंड्स, सेंटर पे नेट आंसर विल बी जीरो। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके सपोज अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी, ओके व्हिच इज अ पार्ट ऑफ फुल सर्कल ए बी सी डी ए। ओके सेल को फ्रेंड्स एसी के अक्रॉस लगाया गया, जो पार्ट है एक सेगमेंट है फ्रेंड पूरे सर्कल का। ओके गुड, सपोज करंट फ्लोइंग थ्रू आई, यहां करंट दो पार्ट में डिवाइड हुई, एक पार्ट यहां गया एक पार्ट यहां गया, दोनों ऐड हुए, टोटल करंट वापस एंटर हो गई सेल में। आराम से देखिए फ्रेंड, ये एंगल दिया है आपको 60 डिग्री। ओके अब देखिए क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। बी वन देखिए फ्रेंड्स, ये ओ पे शुड राइट एट ओ, एट ओ बराबर, देखिए आई शुड राइट एट ओ, ओ पर बी वन है फ्रेंड्स, फील्ड ड्यू टू करंट ए बी सी, जो करंट ए बी सी का हिस्सा है उसकी वजह से यहां फील्ड है बी वन, और जो करंट हिस्सा है ए डी सी उसके लिए फील्ड है बी टू। देखिए फ्रेंड्स बी टू फील्ड ड्यू टू करंट इन ए डी सी, वापस एक बार फ्रेंड्स, इस करंट की वजह से यहां फील्ड है बी वन, इस करंट की वजह से यहां फील्ड है बी टू, इसका रेशो निकालना है, रेशो निकालना है फ्रेंड्स। ओके ठीक, देखते हैं अब कुछ स्कूल लेवल की बेसिक चीज है फ्रेंड्स, आपको इतना पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां साइड में लिखता हूं लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड जनरली आई रिपीट जनरली हमारे केस में, इस केस में बराबर, देखिए फ्रेंड्स करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बराबर देखिए रेजिस्टेंस, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इफ द वोल्टेज इज सेम, करेक्ट है। ओके ये आइडिया दो चीज हमको है ना, हाँ अब थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके क्या दिमाग लगाना है, देखिए जितना ये एंगल ज्यादा होगा ये देखिए फ्रेंड्स उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पहली चीज कॉमन सेंस ना, मैं बोलूंगा ये एंगल कितना होगा 300, अरे भाई टोटल है 360, ये 60 हो गया तो ये एंगल है कितना 300, तो ये आर्क लेंथ भी ज्यादा होगी, जब ये आर्क लेंथ ज्यादा है इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यानी करंट क्या होगा कम होगा। तो तुमने नया क्या निकाले फार्मूले कि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, देखो कैसा पकड़ा मैंने, वापस एक बार जिसको नहीं समझा बराबर, देखिए फ्रेंड्स जितना आपका एंगल ज्यादा होगा, यहां से भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जितना समझो तुम्हारा एंगल ज्यादा होगा, ओके ये लेंथ ज्यादा होगी यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स करंट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यानी आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। ओके ये रिलेशन, ओके चलो लिखो फार्मूला, बी इज इक्वल टू, आपने क्या बोला मुझे आर्क के लिए स्पेशल केस है, आर्क के लिए क्या बोला, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इनटू थीटा, अरे भाई स्पेशल केस में पहला ही मैंने करा है ना, ड्यू टू आर्क म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इनटू थीटा, ऑफ कोर्स थीटा इन रेडियन ना, स्टॉप। ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरा कांस्टेंट, फ्रेंड्स आर इज कांस्टेंट, रेडियस थोड़ा ना चेंज हो रहा है, रेडियस इज कांस्टेंट, इसका मतलब है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई थीटा, फ्रेंड्स b directly proportional to i theta, तो b1 by b2 will be what बच्चों, आप बोलोगे सर i1 by i2, सर theta 1 by theta 2, अभी आपने मेरे को थोड़ी देर पहले बोले but i is inversely proportional to theta,
तो मैं थीटा वन थीटा टू के बदले क्या लिख दूं, बराबर देखो फ्रेंड्स, थीटा वन बाय थीटा टू के बदले क्या लिखूं, उल्टा कर दूं इसको, दोनों कैंसल, आंसर इज वन। मीन्स फ्रेंड दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, रेशियो विल बी वन। ये देखिए दो रिलेशन यूज किया, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना एंगल ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Okay, friends, now start with a new question. He says that three rings of radii R are placed mutually perpendicular to each other. Three ring hai friends, okay, जो एक दूसरे पे perpendicular रखी हुई है, जैसे example एक ऐसी रखी है, एक इसके अंदर ही ऐसी रखी है, तीसरी ऐसी, okay, in short एक xy plane में, एक yz plane में और एक zx plane में, तीन coordinate system में तीनों perpendicular एक दूसरे को रखी गई है friends. He says that with, sorry, each having its center at origin, सबसे important, तीनों का center एक ही point पे है, वो है origin, coordinate system के origin पे, good. If I is a current through each ring, I तीनों में current है, same magnitude I. Okay, he says that find the magnitude, I'm sorry, magnitude of magnetic field at कॉमन सेंटर, जो आपने बोला ओरिजिन कॉमन सेंटर है फ्रेंड्स, वहां पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलो देखते हैं, ओके, समझो तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ओके। चलो देखो, एक रिंग ऐसी बैठी है फ्रेंड्स, एक रिंग फ्रेंड ऐसी बैठी है और एक रिंग फ्रेंड्स ऐसी बैठी है, आराम से। एक रिंग है एक्स वाई प्लेन में, एक्स है सॉरी एक है वाई जेड प्लेन में, एक है जेड एक्स प्लेन में, तीनों जोड़ी लेने का पहला चीज। अब नाउ द टेक्निकल स्टार्ट, ओके, थोड़ा सा एक बताऊंगा, बाकी आप खुद बोलोगे सर अंडरस्टूड। जो एक्स वाई प्लेन में रिंग है उसका मैग्नेटिक फील्ड अभी आपने बोला है परपेंडिकुलर होगा, जैसे एग्जाम्पल देखो फ्रेंड, ये रिंग एक्स वाई प्लेन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, ऊपर, ऊपर कौन है, के, के मंजे जेड एक्सेस, के मंजे जेड एक्सेस, यानी उसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ आएगा के, फ्रेंड्स देख लो, उसके साथ आएगा के। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा फॉर रिंग, फॉर रिंग जो कहां है एक्स वाई प्लेन में फ्रेंड्स, बराबर देखो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखो बी वन डालता हूं, बी वन क्या आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू आर, ये फ्रेंड जनरल फार्मूला, फ्रेंड्स ये जनरल फार्मूला, ओके। हाँ, अब आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, साथ में क्या लिखोगे, के क्या फ्रेंड्स, के क्या, के में हो। अब देखो बोलेगा फॉर रिंग वाई जेड प्लेन, ओके फ्रेंड, वाई जेड पे कौन परपेंडिकुलर होता है बेटा, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं आई कैप, ये देखिए अभी बी टू फ्रेंड्स, बी टू क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म बता दो जरा, अच्छा लगेगा, म्यू नॉट बाई टू आर, सेम आई, नंबर ऑफ टर्न इज वन, साथ में क्या आएगा फ्रेंड्स आई कैप, सेम फॉर रिंग, फॉर रिंग कौन से प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, यू ऑल आर फुल्ली इक्विप्ड, यहां लिखते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा बी थ्री फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय टू आर, साथ में फ्रेंड्स जे कैप, आराम से देखिए फ्रेंड्स, इस पे परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस, मुझे जे कैप, ओके। टोटल फील्ड क्या आ गई फ्रेंड्स, बराबर देखो तीनों को एड करो तो बाहर क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2R, अंदर I प्लस J प्लस K, फ्रेंड इट्स अ फाइनल आंसर, फ्रेंड इट इज अ फाइनल एंड करेक्ट आंसर, कोई इशू नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उसने आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है, बेस्ट इज दिस वेक्टर, बट वो मैग्नीट्यूड चाहता है, ठीक है मैग्नीट्यूड देंगे, इसका मैग्नीट्यूड फ्रेंड्स कैसा निकालते हैं जरा बोलिए, याद है म्यू नॉट आई बाई 2R, इसके मैग्नीट्यूड के लिए याद करो, इसका स्क्वायर कोएफिशिएंट का 1, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा 3, यानी फाइनल आंसर विल बी म्यू नॉट आई रूट 3 डिवाइडेड बाय 2R। इज दैट क्लियर, ऐसा यूनिट पूछे तो लगा देना टेस्ला, ऐसा यूनिट जनरली होती है फ्रेंड्स टेस्ला। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट हम करेंगे, दिस टू रिंग्स आर गिवन टू यू, करंट इज आई वन ओवर आई टू, रिलेशन दिया है, आई टू इज 8 टाइम्स आई वन, आई टू इज 8 टाइम्स आई वन, ओके फ्रेंड्स, दोनों का रेडियस सेम,
इस ओरिजिन से इसके सेंटर का डिस्टेंस है आर और इसके सेंटर का डिस्टेंस है एक्स। कह रहा है ओ पर नेट फील्ड इसकी वजह से और इसकी वजह से जीरो। नेट फील्ड फॉर फिगर एट ओ बी नेट इज जीरो। ओके फ्रेंड्स, पूछता है एक्स डिस्टेंस क्या होगा। अब थोड़ा हमको समझना चाहिए, यहां से आप देख रहे हो ये तुम्हारा एक्सेस पे पोजीशन है, करेक्ट फ्रेंड्स। इसके लिए ये एंटी क्लॉकवाइज है समझो और ये क्लॉकवाइज है समझो करंट। ओके फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स दोनों करंट का डायरेक्शन अलग है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होगा, एक चीज तो क्लियर। ओके, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो मेरा काम बन जाएगा यहां जीरो, करेक्ट फ्रेंड्स। यहां करंट है समझो एंटी क्लॉकवाइज इसके लिए, समझो यहां है क्लॉकवाइज इसके लिए। तो फ्रेंड्स दोनों का अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हुआ तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑटोमेटिक अपोजिट है इसकी और इसकी करंट की। ओके, तो मैं इसकी वजह से फील्ड और इसकी वजह से फील्ड निकालूंगा। ओके, एक्सेस पे आपने मुझे फार्मूला बोला है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर एन आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाय 2। फ्रेंड्स डेरिवेशन करें बाकायदा। ओके, स्टार्ट पहले इसकी वजह से, इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स फ्रेंड्स 1 ही लेना है या n मत लेना। स्टार्ट क्या आएगा पहले इसकी वजह से फ्रेंड्स, बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई वन ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3 बाय 2। फ्रेंड्स यहां पर एक्स भी आ रही है, एक्स भी आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो आ गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई वन ओवर बराबर देखिए फ्रेंड्स 2 आर स्क्वायर पावर 3 बाय 2। आराम से रुकिए। ओके, सेम बी टू निकालिए, बी टू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई टू ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फ्रेंड इसका डिस्टेंस है एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर पावर 3 बाय 2। ओके, आराम से देखिए। अब आप बोलते हो सर b1 इज इक्वल टू b2, डायरेक्शन तो है ही अपोजिट क्योंकि ये जीरो है, तो b1 और b2 को सेम होना ही पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन तो है ही, तो यहां जीरो आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई वन ओवर क्या आ गया फ्रेंड्स 2 आर स्क्वायर पावर 3 बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई पाई आर स्क्वायर आई टू ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाई 2। आराम से। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स ये कैंसर फ्रेंड्स 2 पाई है या 2 पाई सॉरी ये और ये कैंसर। ओके, क्या बचा फ्रेंड्स यहां पर बचा आई वन ओवर नीचे क्या बचा फ्रेंड्स 2 आर स्क्वायर पावर 3 बाई 2। फ्रेंड्स यहां क्या डाल दूंगा 8 आई वन 8 आई वन ये देखिए फ्रेंड्स यहां क्या आ गया 3 बाई 2। आराम से देखिए फ्रेंड्स आई वन भी कैंसल। ओके, इसको मैं कैसा लिख सकता हूं देखिए फ्रेंड्स पावर 3 क्या किया फ्रेंड्स 1 बाई 2 आर स्क्वायर को लिखा अंडर रूट 2 आर स्क्वायर का पावर 3। फ्रेंड्स इसके बदले क्या लिख सकता हूं 2 ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या लिख सकता हूं 2 ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। फ्रेंड्स बराबर देखिए 3 बाय 2 पावर को इस स्टाइल में लिखा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 क्योंकि इसका मतलब पावर हाफ इसका भी मतलब पावर हाफ। ओके, ये दोनों कैंसिल कर दो फ्रेंड्स स्क्वायर करो बोथ द साइड स्क्वायर बोथ द साइड तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 1 बाय 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इसको स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड्स इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आराम से देखिए ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आर स्क्वायर तो यहां से फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा 8 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 7 आर स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स अंडर रूट 7 आर एक्स की वैल्यू आई अंडर रूट 7 आर बस ये ध्यान रखिएगा आराम से।
Okay, friends, now we'll see the another conceptual question. It says that a thin insulated wire form a spiral of 100 turns. एक आपको इंसुलेटेड वायर दिया फ्रेंड्स, स्पाइरल शेप में उसको वाउंड किया है, कितने टर्न्स है उसमें? 100 टर्न्स है. ही सेज दैट कैरिंग करंट 8 मिली एम्पियर. ओके, इनर एंड आउटर रेडियस आर 5 एंड 8 सेंटीमीटर. इनर रेडियस फ्रेंड 5 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस जो है फ्रेंड्स उसका 8 सेंटीमीटर है. ओके, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर. फाइंड मैग फील्ड, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालना है ना. देखो ये सब ऐसा है, देखिए फ्रेंड्स ये देखिए, ये ऐसा दिया हुआ है आपको, ये देखिए फ्रेंड्स. ओके, इनर रेडियस है फ्रेंड्स समझो ए, ऑफ कोर्स फाइव बाद में डालेंगे, आउटर रेडियस है समझो फ्रेंड्स बी. आराम से देखिए, ओके, करंट इसमें फ्लो हो रहा है फ्रेंड्स आई, ऑफ कोर्स ठीक है. सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड साहब पूछ रहा है इसकी वजह से. ओके, कैसा सॉल्व करेंगे बराबर देखिए. ओके, आप एक छोटा सा इसमें लेंथ सेगमेंट लीजिए, आई रिपीट क्या लीजिए, छोटा सा इसमें लेंथ सेगमेंट लीजिए. छोटा सा इसके अंदर ही लेंथ सेगमेंट लीजिए. ओके, कितना रेडियल लेंथ का फ्रेंड्स डी एक्स का, कितने डिस्टेंस पे फ्रेंड्स यहां से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, या आप इसको बोलिए एक्स रेडियस पे लीजिए. ओके, एक इमेजिनरी सिंपल सा आप ले लीजिए, ऑफ कोर्स इसी लाइनों का है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये मेरा डायग्राम इंटरसेक्ट कर रहा है आपको समझाने के लिए, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसी में से आप एक ऐसा लेंथ लीजिए. ओके, कितने डिस्टेंस का डी एक्स का, कितने रेडियस पे फ्रेंड्स एक्स पे. ओके, ये ले लीजिए. ओके, अब मैं निकालता हूं बराबर देखो एक एक चीज, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट रेडियल लेंथ ऑफ स्पाइरल, बराबर देखते जाइए फ्रेंड्स, थोड़ा काम टफ है. ओके, समझो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एन, आपको यूनिट रेडियल लेंथ चाहिए. यूनिट रेडियल लेंथ किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ये वाली लेंथ, ये देखिए फ्रेंड्स ये वाली टोटल कहां से शुरू हो रहा है, यहां से स्पाइरल, कहां खत्म हो रहा है यहां पर, ये कितनी होगी फ्रेंड्स बी माइनस ए, इसको डिवाइड करो बी माइनस ए से, बिकॉज यू सेज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट रेडियल लेंथ. ओके, आराम से देखिए. ओके, अब मैं बोलता हूं नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न फॉर लेंथ, आपका खेल किस पे खेलने वाले हैं आप समझ गए, मैं छोटे सेगमेंट पे खेलूंगा, लास्ट में इंटीग्रेशन करूंगा, तो छोटे सेगमेंट के लिए नंबर ऑफ टर्न्स फॉर लेंथ आपका सेगमेंट कितना है डी एक्स, क्या होगा आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करो इसको डी एक्स से, राइट ये पर यूनिट लेंथ है, आपको कितने एक्स पे चाहिए, सॉरी कितनी लेंथ पे चाहिए डी एक्स पे, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, दैट्स इट, ये आ गया. आराम से इसको संभाल के रखिए फ्रेंड्स, इसको संभाल के रखिए. ओके, चाहिए तो इसको नाम दे दीजिए एन डैश, नाम दे दीजिए एन डैश. ओके, अलग नाम दो, टोटल एन, ये है एन डैश, कितने के जो इस सेगमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, आई रिपीट फ्रेंड जो इस सेगमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसका है ये, आराम से देखिए. ओके, नाउ स्टार्ट, बराबर देखिए फ्रेंड्स, अभी आप छोटा फील्ड सेगमेंट की वजह से क्या बोलते हो, फार्मूला लाओ बेटा सर्कल का, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू आर, सेंटर पे फ्रेंड्स याद करो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू आर, तो ये होगा म्यू नॉट एन आई के बदली एन के बदली एन डैश, ऑफ कोर्स आई रेडियल करंट तो सेम ही है, डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स 2r 2x 2r के बाद क्या लिखेंगे 2x, क्यों तुम्हारा रेडियस कितना है सेगमेंट का x. ओके, स्टार्ट, ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट. ओके, इसके बाद क्या डाल दोगे फ्रेंड्स n डिवाइडेड बाय b माइनस a, n डिवाइडेड बाय b माइनस a dx i डिवाइडेड बाय 2x, आराम से देखिए. ओके, अब आप समझ गए फ्रेंड, ये तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड है सेगमेंट का, अरे भाई वो तो पूरा स्पाइरल का पूछ रहा है फ्रेंड्स. इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रेंड्स कहां से कहां तक, फ्रेंड कहां से कहां तक ए टू बी, बराबर देखिए ए टू बी, क्यों यहां से स्पाइरल शुरू हो रहा है यहां एंड हो रहा है. ओके, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन ओवर बी माइनस ए इन टू, बराबर देखो आई ओवर टू डी एक्स बाई एक्स,
आराम से देखिए फ्रेंड्स, डी एक्स बाय एक्स, आराम से देखिए, ओके फ्रेंड्स, नाउ ओनली वी हैव टू डू इंटीग्रेशन एंड वी हैव टू ओनली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, नथिंग एल्स, ओके, टू है यहां पर, स्टार्ट, ओके, बराबर देखिए, म्यू नॉट बाय टू इंटू बी माइनस ए एन आई, ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा फ्रेंड्स, फंक्शन नीचे है, डेरिवेटिव ऊपर है, इसका आएगा लॉग ऑफ, बराबर देखिए फ्रेंड्स, बी वो बाद में करते हैं, लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, b over a, of course base e, friends of course base e, आराम से देखिए, okay, just put the value, nothing else, फिर एक बार, mu not by 2, b minus a, n i, एक step और कीजिए, फिर next step में डालते value, रुक जाइए, एक step और कीजिए, ये हो जाएगा log of b minus log of a, मंजे है, log of, I repeat, b over a, of course base e, मैं e नहीं लिखता, understood base e है, friends, please, ओके स्टार्ट, अब इसकी वैल्यू डालना शुरू कीजिए, म्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, म्यू नॉट की वैल्यू फ्रेंड्स 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास वैल्यू है म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7, याद रखिएगा, ओके, एन कितना दिया है फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 100, आई कितना दिया है 8 मिली एम्पियर, ये देखिए फ्रेंड्स 8 इंटू मिली एम्पियर 10 की पावर दिस, ओके, म्यू नॉट हो गया, एन आई हो गया, लॉग ऑफ फ्रेंड्स, बराबर देखिए लॉग ऑफ ये कितना है 8, ओके, डिवाइडेड बाय ये कितना है 5, ओके, इनर रेडियस इज, आउटर रेडियस इज 8, इनर रेडियस इज 5, ओके, गुड फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आउटर रेडियस 10 कीजिए, आउटर रेडियस फ्रेंड्स 10 बनाइए, 10 है, ओके, आउटर रेडियस इज 10, आउटर रेडियस 10, ओके, तो कितना हो जाएगा लॉग ऑफ 10 ओवर 5, ऑफ कोर्स बेस ई, डिवाइडेड बाय, आई रिपीट फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय क्या आएगा नीचे 2, बराबर देखिए 10 माइनस 5 इनटू 10 की पावर माइनस 2, क्यों फ्रेंड्स, वी आर वर्किंग इन एसआई यूनिट, आई रिपीट वी आर वर्किंग इन एसआई यूनिट, और ये साहब ने जो दिया है आपके रेडियस वो दिया है 5 एंड 10 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर फ्रेंड्स, 5 एंड 10 सेंटीमीटर में, एक छोटा करेक्शन था फ्रेंड्स, ओके, आउटर रेडियस इज 10, याद रखिएगा, जब इसको सॉल्व करोगे रफली इसका आंसर आएगा 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 टेस्ला, आई रिपीट फ्रेंड्स कितना आंसर आएगा इसका 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 टेस्ला, ओके, थोड़ा आउटर रेडियस को आप 10 लीजिए, ओके, दैट इज अ 10, वो एक करेक्शन कर लीजिएगा, ओके फ्रेंड्स, नाउ विल सी द नेक्स्ट सम, अ प्लास्टिक डिस्क ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर, हैज चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, एक डिस्क लिया फ्रेंड्स, समझो मेरा हाथ ऐसा डिस्क है, इसके रेडियस आर है और यूनिफॉर्मली चार्ज मैंने डाला, कितने चार्ज डाला क्यू, ओके, ही सेज दैट इफ द डिस्क इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस विथ फ्रीक्वेंसी एफ, अब डिस्क को आपने रोटेट करना शुरू किया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, कितनी फ्रीक्वेंसी से फ्रेंड्स, एफ से, कितनी फ्रीक्वेंसी से, एफ से, ओके, गुड, अब जो बोलता है फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, कैपिटल बी निकालना है सेंटर ऑफ डिस्क, ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट, नोबडी राइट, प्लीज देखिए पहले, सपोज ये एक डिस्क है फ्रेंड्स, ओके, इसका रेडियस है आर, ओके, ये थ्री डायमेंशन में जैसा ये एक्सिस है और इससे ऐसा घूम रही है, ओके, फ्रीक्वेंसी एफ से, फ्रीक्वेंसी दिया है, ओके, कोई इशू नहीं, ओके, नाउ द स्टार्ट, इस पे टोटल चार्जेस रखे हुए हैं, कितने हैं क्यू, ओके, अब आप छोटा ऑफ कोर्स डिस्क सेगमेंट लीजिए, ओके, कितना लेंथ का, अगेन कितना, आई शुड से विड्थ का, डी एक्स, कितने रेडियस पे फ्रेंड्स, एक्स पे, आराम से, ये छोटा, ये मैं ऐसा बनाता हूं, ओके, डिस्क सेगमेंट ही लीजिए, कोई इशू नहीं, छोटा सा डिस्क काटिए, करेक्ट है, अब यहां पर स्मॉल चार्जेस विल बी व्हाट, बराबर देखिए, पहले डिस्क का निकालिए चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ये होगा क्यू डिवाइडेड बाय, आई एम सॉरी, π
pi r square. Friends, disk का surface circular. Charge divided by surface area. कितने area पे आपको चाहिए segment के? ये देखो, इतने area पे चाहिए. ये क्या होता है friends? 2 pi x into dx. That's very important. Small segment जो आपने लिया, इसका surface area क्या होगा? 2 pi x into dx. आराम से. ये area. करेक्ट, ये आ गया. जो कैंसिल हो रहा है उसको कर दीजिए फ्रेंड्स. कितना बचेगा? 2qx into dx over r का स्क्वायर. ये हो गया dq. ओके, स्मॉल करंट फ्रेंड निकालिए. क्या होगा? dq by dt. नाउ द टेक्निकल स्टार्ट. 1 by dt मतलब 1 by टाइम इज फ्रीक्वेंसी. फ्रेंड्स, 1 by टाइम का मतलब फ्रीक्वेंसी. तो 1 by dt के बदले मैं डालूंगा फ्रीक्वेंसी. तो ये क्या हो गया? 2qx dx ओवर आर का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी. बस फ्रेंड्स, आधा काम हो गया. आराम से बॉक्स बनाइए, रुकिए, आधा काम हो गया फ्रेंड्स. ओके, अब आप स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मुझे क्या बोलोगे? सेम फार्मूला यूज करो फ्रेंड्स. म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2R. म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2R स्मॉल सेगमेंट के सेंटर पे. तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन, यानी नंबर ऑफ टर्न्स 1. लिखने की जरूरत नहीं है. आप लिखोगे डी आई. आई रिपीट फ्रेंड्स, क्या लिखोगे? डी आई ओवर 2R के बाद फ्रेंड्स x. कितने रेडियस पे लियो? x. ये हो गया म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2R का फार्मूला. म्यू नॉट डी आई ओवर 2x. आराम से अब सिंपल सिर्फ वैल्यू डालो, कुछ नहीं करने वाला हूं. तो ये होगा म्यू नॉट डी आई के बाद फ्रेंड्स 2qx dx इनटू फ्रीक्वेंसी ओवर r स्क्वायर इनटू फ्रेंड्स 2x. ओके, बगुन गया. 2 कैंसिल, x x कैंसिल. क्या बचा फ्रेंड्स आपके पास? म्यू नॉट बराबर देखिए q f साथ में dx ओवर r का स्क्वायर. आराम से देखिए, ये हुआ छोटा मैग्नेटिक फील्ड फ्रेंड्स db, छोटा मैग्नेटिक फील्ड सेगमेंट का. ओके फ्रेंड्स, वो सेगमेंट के लिए नहीं पूछ रहा है, वो तो पूरे डिस्क का पूछ रहा है आपसे. इंटीग्रेशन इट. ओके, तो ये म्यू नॉट क्यू एफ आर स्क्वायर पूरा कांस्टेंट बाहर. किसका इंटीग्रेशन? ओनली dx का. फ्रेंड्स, कहां से? जीरो से स्टार्ट हो रहा है. डिस्क एंड कहां हो रहा है? रेडियस r पे. 0 to R. आराम से 0 to R. ओके, अब ये लिखेंगे म्यू नॉट क्यू एफ ओवर r का स्क्वायर. क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन? r. ओके फ्रेंड्स, एक r यानी एक r कैंसिल. फाइनल आंसर विल बी म्यू नॉट क्यू एफ ओवर r. दैट्स अ फाइनल आंसर फ्रेंड्स.